मुझे कोई बताए पहले तो कौन सा वाला, ये वाला कर रहा था। सर हाँ इसका क्या हुआ, 17√2 उसमें इसका 17√2 ऐसा। होगा अंडर अंडर रूट 46। रूट 36 सर अंडर रूट 50, 46 अंडर रूट 22, अंडर रूट 98। अंडर रूट 46। फिर से एक बार थोड़ा सा, अंडर रूट 46, अंडर रूट, एक तो अंडर रूट 98 सुनाई दिया, बीच वाला मेरा मिस हो गया, क्या था? सर अंडर रूट 50, अंडर रूट 72, अंडर रूट 98। एक कुछ ऐसा सेवेंटी टू चलो। ओके क्या सब पे यही आ रहा है? देखो अगर आप लोग परेशान हो रहे हो तो जरा देखो सुन, ये 32 था, 32 मैंने क्या लिखा था, 4√2 लिखा था, ठीक है? तो 4√2 में क्या ऐड करना है, रूट टू ऐड करना है। जब रूट टू ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5√2 आएगा, ठीक है? अच्छा यहाँ से अगर लोगों को डील करने नहीं आता तो मैं ऐसा करता हूँ, जब आप इस 5 को इस अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, दो बार लिखोगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुना 50, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है? फिर क्या करना है, 5√2 में क्या ऐड करना है, रूट टू ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6√2, ठीक है? तो 6√2 को जब अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 72, और फिर 7 का 7 से 49, तो ये आपका फिलहाल ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं डायरेक्टली कर दिया, अगर आपको डाउट हो तो बता देता हूँ। नेक्स्ट वाला कैसे, 98 वाला कैसे करेंगे, 7√2 आएगा, ठीक है? 7√2 को जब 7 अंदर ले जाओगे रूट टू के अंदर, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 गुना कितना होता है, 98 होता है, 98 होता है। क्लियर है यहाँ पे, सभी को क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो ये दो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बता दो जरा, किसी ने 14th एंड 15th लगाया क्या, 9 का स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर इसका वाला? पहले तो ये बताओ ए बी में है कॉमन क्या, कॉमन डिफरेंस 2 स्क्वायर। डिफरेंस कितना आ रहा है? हाँ सर है, यस यस सर, कॉमन डिफरेंस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस 2 स्क्वायर मीन्स की 4, यही ना? 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 ना? क्या सभी का ये आएगा? और नो सर, हाँ इसकी सर, नहीं है सर, ये एपी के एपी फॉर्म में में, एपी नहीं है नहीं, सर, नहीं है चलो सर, एपी नहीं। इसकी इसकी आगे आएगा 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर ये आपने कैसे बताया? सर, और नंबर का सूखी चल रहा है और क्या, लेकिन ठीक है। अच्छा और नंबर, सर ये ये एपी नहीं है। देखो बात को समझो, पहली बात ये कि ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं चल रहा, ठीक है? तो हाँ अगर रीजनिंग होता तो मैं बिल्कुल बोलता 9 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर आप ले सकते थे, बट ठीक पहले बात ये देखेंगे जरा। अच्छा ठीक है, 2 का स्क्वायर चलो चेक करते हैं। पहले तो मैं कोई भी दो टर्म ले लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं इन दोनों टर्म को लेता हूँ तो मैं D1 क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स की 9 माइनस 1 मीन्स की 8। जब मैं D2 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आई थिंक 60, ठीक है? तो D1 और D2 हमारा बराबर तो है नहीं, ये दोनों बराबर कहाँ है, ठीक है? तो ये आपका एपी नहीं है, जब एपी नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म नहीं मिलने वाले, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ एपी, ठीक है? बाकी आप अपना फिगर बना सकते हैं। चलो लास्ट बता दो, 15th बता दो, इसका बता दो। 97 121 145 पहले मुझे बताओ ये सर एपी में है, है, ये एपी में ना चला है ओके डी क्या सर, है? एपी अरे के फॉर्म एपी में में है है, ये, यस तो सर है, ट्वेंटी डी क्या आया, 24। फोर 24 सभी का रहा है D24 आ रहा है ना? सर। यस सर, ओके। तो सभी का रहा, उसने बताने वाली बात ही नहीं, तो डी आपका 24 हो गया। देन आप नेक्स्ट 73 में 24 ऐड करते जाओ, जो नेक्स्ट आएगा उसमें 24 ऐड करते जाओ, सो उन्हें ऐसे ऐड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आप कॉमन डिफरेंस निकालना आपको समझ आ चुका है, एंड आप कुछ आसपास के टर्म्स निकाल सकते हो मेरे हिसाब से, आपको जल्दी समझ आ चुके हैं।
ठीक है। अब जो नया टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक चलता है, वो होता है आपको nth टर्म निकालना पड़ता है। ठीक है, nth टर्म मतलब रैंडम कोई भी टर्म, सपोज करो दूसरा, दसवां, 50वां, ठीक है, 100वां, ऐसा कुछ पद निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला सेट हुआ है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एन क्या है, जो भी टर्म वो पूछेगा, मतलब पांचवा बोल दे तो एन बराबर 5 हो जाएगा, अगर वो छठवां पूछता है तो एन बराबर 6 हो जाएगा, एन बराबर 101वां पूछता है तो आपको 101 लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी डी निकालना आप सीख चुके हो, ठीक है, डी निकालना आपको आ चुका है, ये बात क्लियर। बस ये फॉर्मूला आप हम लोग यूज करेंगे, देन आपका यहाँ से आंसर आता जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, हाँ ये तो बताने भूल गए, ये क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि हमने पहले भी बताया था, ये आपका क्या है, ऑलवेज फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पर कोई होना ही चाहिए। और ये ए एन क्या है, ए एन क्या है, जो टर्म वो पूछ रहा होगा, ठीक है, जो भी वो टर्म पूछ रहा है, क्या लिखा है, अच्छा लिखा था यार ये तो आस्क टर्म हो गया ना, मैं इसको, चलो ठीक है, कंफ्यूजन लगेगा। ए एन क्या है, जो भी टर्म, यानी कि 7th प्लेस पे क्या आएगा, 9th प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पर उसकी बात कर रहा है, ए एन वो आ जाएगा। ठीक है, उसके में आगे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो जरा, जैसे बोलता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक, तो मुझे पहले बताओ इसका ए कितना लिखेंगे, माइनस माइनस फोर फोर माइनस ठीक है, फोर माइनस, ओके बहुत बढ़िया। बी क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस टू, टू और प्लस टू सर, प्लस टू। टू हेलो, प्लस टू सर, प्लस टू बिल्कुल है ना। देखो मैं जरूरी नहीं कि आपको इन्हीं दोनों को लिखे सॉल्व करना, आप चाहो तो इन दोनों को लिखे निकाल सकते थे, चाहो तो आप इन दोनों को लिखे निकाल सकते थे, तो ऑलवेज है ना, अगर चाहो तो मैं इनको तो लिखा, लेकिन अरे सर यहाँ फर्स्ट टर्म -4 ही होगा ना सर। हाँ फर्स्ट टर्म -4 है, बिल्कुल सही है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -2 + 4 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करना हो तो डी हमारा 2 ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, चलो पूछा कौन सा, 10th टर्म पूछा है ना, 10th टर्म पूछा है, तो ए हमारा क्या हो गया, -4, ठीक है, प्लस एन क्या है, आपका जो टर्म पूछा है मीन्स की 10 -1, डी हमारा कितना है, 2 है, तो ये कितना जाएगा, -4 प्लस 10 -1 आ जाएगा 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4 + 18, एंड देन इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा प्लस आ जाएगा 14। 14 ठीक है, क्लियर है आपको, स्टेप क्लियर है, यस सर, क्लियर है, यस ठीक सर। है, ओके बढ़िया। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, इस एपी का 10वां पद, ये मैं निकालो यार, कर चुके, इसे छोड़ो, इसको सॉल्व करो, इसको वो कर लोगे, सेम वैसे क्वेश्चन जिसको इंग्लिश समझ नहीं आया मैं बताता हूँ क्या लिखा है। ठीक है, लिखा क्या है, विच टर्म ऑफ एपी इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0। ठीक है, क्वेश्चन होता था क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा वाला टर्म या कौन सा टर्म -81 आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड ये पूछ रहा है कि अगर इसका कोई एक टर्म 0 है तो कौन सा टर्म होगा, 10वां होगा, 12वां होगा, क्या होगा, समथिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन, क्लियर है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है। ठीक, नीलम क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ सर, हाँ। तो क्वेश्चन पहला ये है कि -81 कौन सा टर्म होगा, मीन्स कि सबसे पहले वाला, तो आपको एन फाइंड करना है, इसके लिए आपको एन फाइंड करना है, फाइव जी सर, फाइव। हाँ एन इक्वल टू 35। ये आएगा 35, ऐसा कुछ,
हाँ और जिससे ये आ चुका है, चलो ये फाइंड करो कि 0 पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो कौन से नंबर पर होगा। सर इसका एन की वैल्यू आएगी 7। वाले का ओके यस सर, एन की वैल्यू 7। और किसी का आंसर आया कि जब बोलो मैं रेडी हूँ ठीक है सॉल्व करने के लिए। शिवम तुम्हारा नहीं आया, बाकी सब कहाँ गए? आशुतोष तुम्हारा भी नहीं आया क्या? सर एक बार और सर, समझ में चलो नहीं आया क्या हो रहा है। चलो ठीक है देखते हैं। चलो ठीक है कोई इशू नहीं है ठीक है। फॉर्मूला को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? a+n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, a आपको पता है a कितना है, 21 है ठीक है, और d कितना है। पहले तो आपको a फाइंड करना है, a आपको 21 हो गया और d आपको दिया है 18 माइनस 21, तो -3 ठीक है। -3 ओके बढ़िया। तो हमको क्या चेक करना है कि भाई, पाए। हमको क्या चेक करना है कि भाई -81 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब क्या दिया है आपको, ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना दिया है, -81। हमें ए पता है कितना है, 21। हमें एन नहीं पता, कोई बात नहीं। डी हमें सर पता है -1। हाँ पूछो। ये एन और एन मतलब कि क्या है वो थोड़ा बताएंगे, एन क्या है। चलो मैं बताता हूँ। सपोज करो एक सीरीज है आपके सामने, 4, 8, 12, 16, 20, क्लियर है? ये एक सीरीज आपको दिया सर हुआ है ठीक है। मैं इसको बोलूंगा ए एन ठीक है, या फिर देखो ये क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन। ऐसा समझ आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर हो? सर ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं A1 ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ ए वन क्या है, तो मैं बोलूंगा a1 = यहाँ पे 4 है। अगर मैं बोलता हूँ a2 क्या है, तो मैं बोलूंगा a2 = 8 है। मतलब कि दूसरा टर्म क्या आया ठीक है, दूसरा टर्म क्या है तो 8 है, तीसरा 12, चौथा 16, ऐसे जितना निकाल सकते। क्लियर होगा दोनों? डिफरेंस क्या क्लियर है, एन और क्या कहते हैं कि एन क्या है और ई एन क्या है, क्लियर है? ठीक, यस आगे सर, बढ़। जीरो पॉसिबल, 0 नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा। चलो ठीक है, चेक करते हैं। अरे इसमें क्या हो गया? सो है ना, चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 21 को इस साइड ले आते हैं, तो -81 -21 = n-1 -3। तो -81 -21 कितना आ जाएगा? ये माइनस का 102 ठीक, यहाँ तक क्लियर? यस इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अभी इससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो -102 / -3 = n-1, एंड ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 ठीक है, 3 × 12, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन ठीक जीरो होगा। है। 0 हम चेक कर लेंगे, और ये वाला 1 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 + 1 n, तो n कितना आ गया, 35 ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को, प्रोसीजर क्लियर है? यस नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हमारा 0 पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने क्या किया,
ठीक है, आप ए एन मान लो जीरो है यहाँ पे, आप ए एन रख लो जीरो, ठीक है, बाकी ए एन माइनस वन तो ठीक है, डी आपको पता ही है, तो जीरो बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका 21 है प्लस हमें एन नहीं पता, ठीक है, डी आपका -3 है, ठीक है, तो 0 -21 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3, ठीक है, तो ये -21 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा, एन -1, ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 एन -1, तो एन कितना आ जाएगा 8, ठीक है। आशीष तुमके साथ एक जोड़ना भूल गए थे क्या? सर, हाँ सर एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार बताएंगे? ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज -81, मतलब कि कौन सा टर्म इस एपी का, इस सीरीज का -81 होगा, ठीक है, सर मतलब कि, मतलब सर ए एन पूछा है ना? बिल्कुल एन पूछा है, नहीं, एन नहीं पूछा, सॉरी एन नहीं, कौन सा टर्म, मतलब कि एन की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, एन की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, एन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, Which term of the AP is -81? देखो एक बात को समझो, एन और ए एन में जरा मतलब समझो, ए एन एक वैल्यू है, मुझे एक बात बताओ क्या कभी क्लास में किसी का रैंक -1 आ सकता है, पॉसिबल No, sir. नहीं है ना, तो वैसे यहाँ पर भी कोई पहला टर्म दूसरा टर्म भी -1 नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब कई बार टर्म टर्म कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है, एन की वैल्यू से बारे में बात करें तो ये क्या है, हम जीरो से, जीरो नहीं, हम पहले से स्टार्ट करते हैं, हमारा हमेशा यहाँ पहला से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, जहां तक जाए वहां तक जाना है, ठीक है, ए एन एक वैल्यू है, ठीक है, एन क्या है, एक प्लेस है, एक स्थान है, जगह है, ठीक है, ए एन एक वैल्यू है और ये क्या है आपका एक प्लेस, ठीक है, जब आपके रैंकिंग बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये फोर्थ प्लेस पे है, ये फिफ्थ प्लेस पे है, ठीक है, सेवन्थ प्लेस पे, समथिंग ऐसा समझ लो, अब तो क्लियर है सर क्या? यहाँ -81 प्लेस पर कौन होगा ये पूछा है, नहीं, ये पूछ रहा है -81 किस प्लेस पर है, तो सर किस प्लेस पे है? तो ए एन ही नहीं होगा प्लेस, फिर से ए एन वैल्यू है, देखो जरा क्या लिखा है, ए एन क्या है, वैल्यू, ठीक, आप क्लियर है, ठीक, यस तो सर। मैं, -81 जिस प्लेस पे उसको फाइंड करना है ना, हाँ किस प्लेस पर रखा है आपको वो फाइंड करना है, यस सर। एंड जीरो वाला क्लियर है क्या तनु, आपका इसमें क्लियर है ना, जीरो आ रहा है, जीरो हाँ आएगा, क्लियर ठीक है। है, एक बात समझना, अगर देखो मैं कब बोलता है ये नहीं होगा, मैं कब बोलता है कि ये आपका टर्म में नहीं होगा, जब आपका जो एन की वैल्यू डेसिमल में आती, अगर एन की वैल्यू डेसिमल में आती तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम बोला ना कि किसी की भी रैंक कभी डेसिमल रैंक थोड़ी हो सकती है कि भाई ये 4.5 रैंक पर है, ये 7.3 रैंक पर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, या तो फर्स्ट रैंक पे होगा या तो 6 रैंक पे होगा तो 7 रैंक पे होगा, तो ऐसे ही अगर आपका एन की वैल्यू डेसिमल में आ जाए तो आप ये बोलोगे कि ये अपनी सीरीज में नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, फिलहाल तो एन इक्वल टू 8 आ गया, मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू मिल गई, मींस कि आपका आंसर मतलब ये सीरीज में होगा, और कौन सी प्लेस पे आएगा, 8th प्लेस पे आएगा, ठीक है, हाँ सर थोड़ा पीछे वाली स्लाइड करिए ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, इसके शॉर्ट में मैं एक चीज और कंफ्यूजन है तो मैं एक बार क्लियर करता हूँ, जैसे एन जो होता है इसको ऐसा कर लो, इसको ए ना, एन ना बोल के इसको के एन बोल दो, और एन को क्या लिख दो, प्लेस लिख दो, तो आपको शायद मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, मुझे लगता है कि टर्म अच्छा, टर्म ऐसा हम कभी तो उल्टा समझ रहे थे सर। कंफ्यूजन हो रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है, होगा पहली बात, ये ए एन एन में कंफ्यूजन लगता है, कोई दिक्कत, तो उसको ए एन लिख लो, ए एन बराबर क्या आ जाएगा, पूछा गया टर्म, मतलब जो भी टर्म वो पूछ रहा है, वैल्यूज पूछ रहा है, एन एन क्या है, प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सो ऑन, ठीक है, यस सर, अभी सही। क्लियर है सभी को, ओके, यस सर, यस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो,
मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में ले लूंगा, तो 1 मिनट आपका निकल गया लगभग, 1 मिनट बचा है। सर एपी तो निकल गया सर, लेकिन प्रोसीजर नहीं पता है। चलो ठीक है, टाइम आपका हो गया। तो एपी निकला है 1, 3, 5, 7, 9। एपी, अच्छा एपी नहीं, देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, समझ नहीं आया। ओके बिल्कुल देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको पहले पूछा क्या है, डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। अच्छा एपी फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर थर्ड टर्म बताया है एंड 7th टर्म बताया है, तो आपको एपी फाइंड के लिए क्या पता होना चाहिए? पहले तो आपको ए पता होना चाहिए एंड सेकंड आपको डी पता होना चाहिए, ये दो चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात देखो, थर्ड टर्म इज 5, मतलब 5 पता है, ए प्लस थर्ड टर्म बोला है, थर्ड टर्म बोला है मतलब ये एन दिया हुआ है, तो 3 माइनस 1, डी हमें नहीं पता, तो ये 5 हो गया, ए प्लस 2 डी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यहाँ पर क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन तक क्लियर। सेकंड देखो, 7th टर्म बताया क्या है, 9, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 9 हो जाएगा ए प्लस 6 डी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आपने वैसे पढ़ा होगा आई थिंक, आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है क्या? यस तो कोई भी यस मेथड, कोई भी मेथड लगा लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, तो आपको करना क्या है, 1 माइनस 2 कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो या 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता, 2 माइनस 1 कर देते हैं, दोनों से कोई दिक्कत नहीं आता है ना। तो आपने क्या किया, ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस सॉरी, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 5, ये ए है ना, माइनस माइनस माइनस, जब आप माइनस करते हो तो सभी का साइन चेंज कर देते हो जिसको घटा रहे हो, तो ये ए कट जाएगा और 6 में 2 घटाएंगे तो आएगा 4 डी आ जाएगा, एंड 9 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो डी और क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये फोर कट जाएगा। जब डी निकल आया तो कोई भी एक इक्वेशन से आप ए निकाल लो, तो मैं इक्वेशन 1 से निकाल देता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू ए प्लस 2 डी है, डी की वैल्यू 1 है, तो ए बराबर 5 माइनस 2 आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपको ए पी फाइंड करना है, मीन्स ए पी क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। देखो जब थर्ड टर्म 5 आया, थर्ड टर्म 5 है, 4 5 6 7, 7th टर्म आपका 9, ये आपका थर्ड हो गया एंड ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी एपी हो गई। बाकी ऐसा नहीं है आपको तो आगे लिखते जाना है, आपको बस कुछ ही टर्म लिखने, 3 4 टर्म लिख के छोड़ सकते हो, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर यहाँ मतलब डी इक्वल टू 1 के बाद क्या हुआ? मैंने डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें देखो डी मिल गया, हमें ए चाहिए, हमें डी मिल गया, कितना, 1 मिल गया, हमें ए चाहिए यस है ना, तो ए, आप डी की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो या फिर इक्वेशन 2 में रख दो, किसी में भी रख के हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में रख दिया, इसमें रखा मैंने डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया, तो 5 ए प्लस 2 इंटू डी, तो डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपने क्या है, इसको सॉल्व करोगे, अच्छा मैं डायरेक्टली कर दिया तो कंफ्यूजन नहीं लगा, ठीक, तो मैं ये स्टेप हटा देता हूँ, 5 ए प्लस 2 ये हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 2 ये हो जाएगा, देन आपको ये फ्री आ जाएगा। अब ठीक है, इज इट ओके? यस सर चलो, तो आज की क्लास सभी को क्लियर है क्या? चलो यस ठीक है, तो है ना, आपके पास अगर 10th की बुक है
आप उसको लेके सॉल्व करो, अगर नहीं है तो बोलो मैं पीडीएफ भेज दूंगा एनसीईआरटी की, ठीक है, वहां से क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर सकते हो। एंड सेकंड, अगर आप बाकी किसी कंप्यूटर एग्जाम, बुक में है तो। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो मैं मैथ की सबसे बेस्ट बुक बोलूंगा, या तो आप आर एस अग्रवाल ले लो या फिर आर डी शर्मा ले लो, ठीक है, या तो आर डी शर्मा ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, उसमें क्वेश्चन की भरमार है, ठीक है, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, रेफरेंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप आई थिंक आप लोग शायद रिकमेंडेड हो स्कूल में, पता नहीं, बट डीपीएस स्कूल में तो ये रिकमेंडेड होता है, मैंने जितने को पढ़ाया है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप अगर आप रखते हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल हम वैसे एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन तो डील करेंगे करेंगे, अगर आपके पास कोई और भी डाउट्स हैं कोई भी एक्स्ट्रा से, तो आप बस फोटो क्लिक करके भेज दो, मैं उसको ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है फिर। सो क्लास वाइज ये ओवर करते हैं एंड कल मिलते हैं फिर, ठीक है, 8 बजे, थैंक यू सर, गुड ओके नाइट। सर, ठीक थैंक है, वेलकम यू सर, सर, थैंक वेलकम यू सभी सर। को, एंड सभी को गुड नाइट सर, गुड नाइट, अच्छे से सोना, गुड गुड नाइट सर। नाइट।